Professor Ram Sujan Pandey ji has joined with us, and it's indeed a pleasure for each and every one of us to have such a learned and an experienced able teacher, clinician, and a researcher amongst us for this session. Rather, I would say, on a special session on gender sensitization. Sir, we welcome you on the behalf of the HRDC, on the behalf of the participants, and on the behalf of the university, and the behalf of our Honorable Vice Chancellor, Professor Sushma Yadav ji, to this program. And for the formal invitation and the formal introduction to our resource person and the speaker, I would like to request Dr. Manju Pawar, the chairperson of the Department of Social Welfare and Social Work, to please introduce our respected guest to all the participants, please. Over to you, Manju. Thank you so much, ma'am. Respected sir, Dr. Shefali Nagpal, and all the dear participants. Sir, I am the coordinator of this workshop, and Dr. Shilpa from Delhi University, she will introduce our resource person. So over to you, Shilpa ji. A very good afternoon to all of you, and thank you, Manju ma'am, for giving me this opportunity. On behalf of HRDC BPS Women University Kanpur, Sonipat, Haryana, and all the fellow participants, I would like to extend my very warm welcome to you, sir, for gracing this occasion with your august presence. And with your permission, I would like to give a small introduction about you, although you do not need any kind of introduction, but still, for the fellow participants, with your permission, I would like to give your introduction to them. So, dear participants, सर बाबा मसनाथ विश्वविद्यालय अस्थल बोहर रोहतक हरियाणा के कुलपति हैं। सर हरियाणा प्रांत अखिल भारतीय साहित्य परिषद के अध्यक्ष हैं। वे हिंदी सलाहकार समिति, कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय, संचार तथा सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, पंचायती राज मंत्रालय, भारत सरकार नई दिल्ली के पूर्व सदस्य रह चुके हैं। सर हरियाणा साहित्य अकादमी पंचकूला के शासी परिषद के पूर्व सदस्य रह चुके हैं। वे विषय विशेषज्ञ, अध्यक्ष तथा मुख्य अतिथि के रूप में अनेक विश्वविद्यालयों UGC, UPSC, CBSE, SCERT, हरियाणा शिक्षक बोर्ड, कई प्रदेशों के लोक सेवा आयोगों, अनेक अंतरराष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय संगोष्ठियों, सम्मेलनों व कार्यशालाओं में अपनी उपस्थिति दे चुके हैं। विश्वविद्यालय स्तरीय दायित्व निर्वहन में महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय रोहतक हरियाणा में प्रोफेसर एवं अध्यक्ष हिंदी विभाग, प्रोफेसर एवं अध्यक्ष महर्षि वाल्मीकि पीठ रह चुके हैं। सर इंदिरा गांधी विश्वविद्यालय मीरपुर रेवाड़ी में डीन एकेडमिक अफेयर्स, डीन स्टूडेंट्स वेलफेयर, डीन फैकल्टी ऑफ लॉ, प्रोफेसर एवं अध्यक्ष हिंदी विभाग, प्रोफेसर एवं अध्यक्ष स्वामी विवेकानंद पीठ रह चुके हैं। सर बाबा मस्तनाथ विश्वविद्यालय रोहतक में प्रोफेसर एवं अध्यक्ष हिंदी विभाग एवं डीन फैकल्टी ऑफ ह्यूमैनिटीज भी रह चुके हैं। शोध निर्देशन कार्य में सर का काफी योगदान रहा है। सर ने 58 शोधार्थी का PhD हेतु निर्देशन किया है। सर ने 88 शोधार्थी का MPhil हेतु निर्देशन किया है। इनकी विशेषज्ञता कविता, काव्य शास्त्र, सौंदर्य शास्त्र आदि में है। इनकी 33 पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं, जिनमें उत्प्रेक्षा अलंकार विमर्श, विद्यापति का सौंदर्य बोध, निर्गुण काव्य का सांस्कृतिक भूमिका, कविता का मन, कविता का परिपाठ, संस्कृति और सौंदर्य, हिंदी कविता स्वप्न और संघर्ष, हिंदी साहित्य का इतिहास, निर्गुण काव्य प्रेरणा और प्रवृत्ति, विद्यापति वैभव, विद्यापति व्यक्ति और कवि, दादू की भाषा, कविवर डॉक्टर हरमहेंद्र सिंह बेदी, रूपक अलंकार की अवधारणा, राम काव्य परंपरा और प्रतिवाद पर्व, विविध साहित्यिक वाद, हरियाणा की कविता पाठ और परिलेख, प्रकाशनाधीन उदय भानु हंस प्रमुख हैं। इन्होंने अनेक पुस्तकों के संपादन के साथ साथ लगभग 3 दर्जन चर्चित पुस्तकों का लेखन संपादन भी किया है। मैडम जी,
जी आवाज आ रही है? चलिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया है, और कोई बात नहीं है, ये तो सारी चीजें जो है एक जीविका से जुड़ी हुई चीजें हैं, और ये सब करने की अध्यापकों की व्यवस्था होती है, आप भी उसी पद से निकल रही हैं, तो अब अगर आपका आदेश हो तो फिर जो है अपनी बात हम शुरू करें। ठीक है सर? यस सर, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच, अन्यथा ना मानिएगा। नहीं नहीं बिल्कुल नहीं सर, थैंक यू सो मच सर। ये आपका बड़प्पन है, और ये कह देना कि ये जीविका का एक साधन था, क्योंकि आपके टाइम में तो एपीआई था ही नहीं, ये तो हम लोगों के ऊपर फाउंडेशन हुई है। ये तो आपकी अपनी रुचि थी जो आप इसमें करते रहे हैं। आपका बहुत बहुत अभिनंदन है सर, आपका बहुत बहुत स्वागत। माननीय डॉक्टर शेफाली नागपाल जी, और इस कार्यक्रम की समन्वयक डॉक्टर मंजू पवार जी, और सभी मित्रों, मुझे ये नहीं मालूम है कि इस कार्यक्रम में कितने भाई लोग उपस्थित हो रहे हैं और कितनी बहनें उपस्थित हो रही हैं, और शेफाली जी ने शायद आज इस सुबह की बात है या कल शाम की बात है बताया कि जो है वो आपको नारी को केंद्रित करके स्त्री को केंद्रित करके कुछ अपनी बात को कहनी है। समस्या इस चीज की है, ये वास्तव में ये जो विमर्शों का मकड़ जाल है, चाहे वो नारी विमर्श को लेकर के हो, चाहे तमाम और विमर्शों को लेकर के हो, ये मेरी दृष्टि में बहुत अभिशप्त भूमि है। अगर कुछ इसको ठीक से कहना चाहे तो भी अभिशप्त भूमि है, और जो है गैर ठीक से करना चाहे तो अभिशप्त भूमि है। जेंडर सेक्सुअलाइजेशन में आप लोगों ने बहुत सारे वक्ताओं को, विमर्शों से जुड़े हुए लोगों को, सामाजिक प्रतिबद्धता से जुड़े हुए लोगों को आप लोगों ने सुना होगा। कुछ जो है वो हमारी जो भारतीय चेतना है, भारतीय संस्कृति है, और एक भारतीय जो मन है, उस भारतीय मन के हिसाब से कुछ मैं नारी संदर्भों पर बात करना चाहूंगा। मैं कोई अप्रिय बात नहीं करूंगा, बात जो है प्रीत की ही होगी, अच्छी ही बातें होंगी। अब उसमें से कोई गैर अच्छी बात खोजे उसका तो हमारे पास कोई उपाय है नहीं, लेकिन मैं ये चाहूंगा कि जो स्त्री के, नारी के व्यक्तित्व के जो तमाम आयाम हैं, और उन तमाम आयामों में जो सकारात्मक पक्ष है, उस सकारात्मक पक्षों पर ही बात की जाए तो ज्यादा बेहतर है। छिद्रान्वेषण करना, उनकी कमियों को ढूंढना, पुरुषों की कमियों को ढूंढना, समाज की क्रूरता को ढूंढना, वो अलग मुद्दा है, अलग जो है विषय है, वो हम लोग रोज देखते हैं, रोज सुनते हैं, रोज भोगते हैं, रोज उन सारी स्थितियों से सामना करना पड़ता है। लेकिन बेहतर ये होगा कि हम जो है जो उसका अच्छा पक्ष है, जो सकारात्मक पक्ष है, जिससे नारी हमारे जीवन के लिए, सामाजिक जीवन के लिए और राष्ट्रीय जीवन के लिए एक अनिवार्य व्यक्तित्व के रूप में सामने खड़ी हुई, उसकी बात करना ज्यादा बेहतर होगा। सामान्य रूप से विषय परिवर्तन के रूप में सबसे पहले मैं यही कहना चाहूंगा कि जब नर और नारी की अवधारणा को लेकर के बात की जाती है तो सामान्य रूप से यही जो हमारे विद्वानों और आलोचक लोग ये कह देते हैं कि जी नर से भारी नारी, नर में तो जो है सब हर्ष वर्ण है और नारी में सारे दोनों दीर्घ वर्ण है। अगर देखिए, जब मित्रों किसी बच्चे का, शिशु का नामकरण का सवाल आता है, और क्योंकि मैं हिंदी का विद्यार्थी रहा हूं तो कई बार लोग कहते हैं कि भाई इसका बेहतर नामकरण क्या होगा, तो मैं सामान्य रूप से ये कहता हूं कि भाई सारे ह्रस्व वर्ण, छोटे वर्ण नहीं होना चाहिए। अगर सारे ह्रस्व वर्ण हो जाएंगे तो जो बलाघात है उच्चारण की, जो ताकत है, जो शक्ति है, जो औदात्य है, वो नहीं आ सकता है। जैसे किसी का नाम सुमन है तो किसी का नाम उदित है, अब एक बार आप उदित और सुमन उच्चारण करके देखिए जो है वो बात नहीं बनेगी। इस नाते कहीं ना कहीं जो है इसमें एक दीर्घ वर्ण होना चाहिए। जैसे जो है बात है सौरभ की,
राव भा जो है हर्ष है, लेकिन सौ जो है दीर्घ वर्ण है, इस नाते वो ज्यादा बेहतर हो जाता है। तो मित्रों इसी नाते कहा जाता है कि नर से भारी नारी, नारी जो है नर से भारी है। और भारी क्यों है? आप देखेंगे कि वो शक्ति रूपा है, वो ज्ञान रूपा है, वो श्रद्धा रूपा है, वो मातृ रूपा है, वो कन्या रूपा है, वो सौंदर्य रूपा है, वो तुष्ट रूपा है। अगर आप लोग थोड़ा सा कहीं ना कहीं हमारे धर्म ग्रंथों से जुड़े हुए होंगे तो दुर्गा सप्तशती का आप लोगों ने नाम सुना होगा। दुर्गा सप्तशती में जो है, जो दुर्गा सप्तशती का जो पांचवा सर्ग है, पांचवा अध्याय है, पांचवा अध्याय में आप जो है दुर्गा के अनेक रूपों को वहां पर जो है उसका उच्चारण किया जाता है, उसका पाठ किया जाता है, उसका भावन किया जाता है और उन सारी शक्ति के स्रोतों को अपने चित्त में अधिष्ठित किया जाता है। जहां पर यह कहा जाता है या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमत्तस्य 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 नमो नमः। इतना ही नहीं, या देवी सर्वभूतेषु चेतनेति अभिधीयते, अर्थात जो जो है दुर्गा है, जो नारी स्वरूपा है, वो हमारी चेतना का प्रमाण है, हमारी चेतना का प्रतीक है, वो उस सारे जो है मनुष्यों में शक्ति का स्वरूप है। अगर मनुष्य के भीतर से चेतना और शक्ति को निकाल लिया जाए तो क्या बचेगा? ये जो है क्षित जल पाव गगन से युक्त जो है केवल शरीर मात्र बचेगा। ये चेतना ही वो तत्व है, ये प्राण ही वो शक्ति है, ये शक्ति ही वो शक्ति है जिसके कारण से मनुष्य मनुष्य बनता है, मनुष्य कहलाता है। नहीं तो वो जड़ है, वो अचेतन है, उसमें चेतना का संचार नहीं हो सकता है। इसी नाते हमारे शास्त्रों ने, हमारे ऋषियों ने, हमारे मुनियों ने नारी की भांति भांति से अभ्यर्थना की है। तुलसी का नाम मैं शुरू में लेना चाहूंगा और बाद में तुलसी को लेकर के अनेक वाद विवाद प्रतिवाद भी कहा जाता है, लेकिन तुलसी जो है रामचरितमानस के शुरुआत में ही कह देते हैं कि उद्भव स्थित संहार कारिणी क्लेश हारिणी सर्वश्रेष्ठ करीम सीताम नतो हम राम वल्लभाम। जो राम की वल्लभा है, राम की प्रिया है, अर्थात सीता, वो उद्भव का कारण है, वो पालन का कारण है, वो संहार का कारण है। अर्थात ये जो स्त्री होती है वो जन्म ही नहीं देती है, वो पालन भी करती है और वो संहार भी करती है। अर्थात आप देखिएगा जो तीन त्रिदेव हैं हमारे, ब्रह्मा विष्णु और महेश, ब्रह्मा जो है सृजन करते हैं, विष्णु पालन करते हैं, संहार जो है संहार करते हैं। अब इन तीनों को मिला करके, इन त्रिदेवों को मिला करके जो एक शक्ति का निर्माण होता है, जो एक स्वरूप का निर्माण होता है, वो वास्तव में स्त्री है, वो वास्तव में नारी है। और इसी नाते जब ये हमारे देवी देवताओं की बात होती है तो उसमें कहते हैं वो चाहे सीता हो, चाहे दुर्गा हो, चाहे आदिशक्ति हो, सारी जो है ये देवियां जो है वो तीनों का जो है वो तीनों स्रोतों को, शक्ति के तीनों रूपों को, सृजन का, पालन का और विनाश का सारा समुच्चय अपने भीतर समा करके चलती है। मित्रों एक बात और भी आप लोगों से मैं निवेदन करना चाहूंगा कि शब्द का संकोच होता है, शब्द का विस्तार भी होता है। अगर हम इन देवियों की बात कर रहे हैं, दुर्गा की बात कर रहे हैं, सीता की बात कर रहे हैं, राधा की बात कर रहे हैं, या इस क्रम में बहुत सारी देवी देवियों की बात करेंगे तो वो वही नहीं है। आज के समय, आज के हमारे समाज में, आज के हमारे परिवेश में, आज के हमारे वातावरण में जो ये नारी शक्ति रूपा मातृ रूपा विद्यमान है, उनमें ये सारी चीजें विद्यमान है, उन नामों में अति विस्तार हो जाता है। वो सीता ही नहीं, वो कमला भी हो सकती है, वो विमला भी हो सकती है, वो सुमन भी हो सकती है, वो सरोज भी हो सकती है। आप जो है हमारे इन नामों को आप इस रूप में ग्रहण कीजिएगा और उसी रूप में इनकी शक्ति का, इनकी सामर्थ्य का, इनके सौंदर्य का, इनके पराक्रम का अनुभव कीजिएगा। तो ये तमाम जो शब्दों का संकोच है वो एक अनंत विस्तार हम लोगों को प्राप्त हो जाएगा। इसी नाते आप देखेंगे कि जहां पर गोस्वामी जी गणेश की वंदना कर रहे होते हैं तो सबसे पहले वो वाणी की वंदना करते हैं, सरस्वती की वंदना करते हैं, वर्णानाम, अर्थसंगानाम, रसानाम, छंदसाम, अपि मंगलानाम च कर्तारो वंदे वाणी विनायक। वो वाणी, वो सरस्वती जो नारी रूपा है, वो सबका मंगल करे, वो कल्याण करे। वो केवल वर्ण और अर्थ, शब्द और अर्थ का, गिरा और वाणी का ही सम्मेल नहीं है, वरन उसके भीतर लोक का मंगल कल्याण करने का शक्ति है। इसी नाते
ये नारी हमारे लिए इसी नाते पूज्य है, इसी नाते आराध्य है, इसी नाते उल्लेखनीय है, उसी नाते चर्चा करने योग्य है जो कि वो मंगल करती है। इसी नाते आप देखिए, कभी आप अनुभव कीजिए कि सृष्टि में या तो ईश्वर, ईश्वर की अगर जो लोग मानते हैं ईश्वर के बारे में बात करता हूं, अगर ईश्वर का नाम लेते हैं, ईश्वर का स्मरण करते हैं, ईश्वर का दर्शन करते हैं, उनकी मूर्ति का ही सही, उस मूर्ति का जो है स्पर्श करते हैं, तो उनको एक अपार आनंद की प्रतीत होती है। उसके बाद ईश्वर के बाद में नारी ही ऐसी सृष्टि है जिसके नामोल्लेख से, जिसके स्मरण से, जिसकी प्रतीत से, जिसकी उपस्थिति से, जिसके सानिध्य से आनंद का संचरण होता है। इस जगत का, इस दुनिया का, इस सृष्टि का कोई ऐसा रूप नहीं है जो कि नारी की तुलना कर सकता हो, नारी की बराबरी कर सकता हो। हाँ, ये जरूर है कि बदलती हुई स्थितियों में, बदलते हुए परिवेश में उसके स्वरूप में परिवर्तन होता रहा है। जब हम नारी के स्वरूप की बात कर रहे होते हैं तो सबसे बात जो है हम वेदों से शुरू करते हैं। वेदों में क्या लिखा है? मित्रों, एक बात और भी हमें ध्यान में रख करके चलना चाहिए कि जब ये ज्ञान विज्ञान के तमाम प्रकार के अनुशासन नहीं थे, न इतिहास था, न भूगोल था, न समाज शास्त्र था, न ये तमाम जो और ज्ञान विज्ञान के अनुशासन थे, तब यही साहित्य था। ये साहित्य के रूप में चाहे वैदिक साहित्य हो, चाहे पुराण साहित्य हो, चाहे उपनिषद हो, चाहे संस्कृत साहित्य हो, या कि लौकिक साहित्य हो, ये सारा का सारा साहित्य ही था। और इसी साहित्य के भीतर से हम इतिहास को भी देखते हैं, हम समाजशास्त्र को भी देखते हैं, हम भूगोल को भी देखते हैं, हम प्रकृति और पर्यावरण को देखते हैं, हम होटल एंड टूरिज्म मैनेजमेंट को भी देखते हैं, हम केमिस्ट्री को भी देखते हैं, हम जो है भौतिक विज्ञान को भी देखते हैं। इन्हीं सब में हम खोजने का प्रयास करते हैं। ऐसी स्थिति में हमारे सामने सबसे पहले वेद आते हैं जिसके भीतर हम नारी की स्थिति को देखने का प्रयास करते हैं कि वहां पर प्राचीन काल में वेदों में नारी की स्थिति क्या थी। जो आज है वही है थी कि कुछ बेहद अलग थी, बीच में क्या स्थित हुई इसको भी देखने की जरूरत है। वास्तव में जब हम वैदिक साहित्य की बात कर रहे हैं तो उस समय जो है वो हमें जो स्त्री है, जो कन्या रूप है, जो कन्या हमारे यहाँ है, हम सभी लोग जानते हैं कि हमारे घरों में कन्या बहुत ही पूजनीय है। और कन्या किसी की भी हो, नवरात्रों में आप सभी लोग जो है जाति को छोड़ करके, धर्म को छोड़ करके, प्रांत को छोड़ करके, भूगोल को छोड़ करके, रंग को छोड़ करके, आर्थिक स्थिति को छोड़ करके हम कन्या पूजन करते हैं। क्यों कन्या पूजन करते हैं? कन्या उसका महत्व इस नाते है कि उसमें मातृत्व की शक्ति है, माता की शक्ति विद्यमान है, और माता मातृभूमि और मातृभाषा पर आज तक किसी ने प्रश्न नहीं उठाया है। मित्रों, माता पूजनीय है, मातृभूमि पूजनीय है, और मातृभाषा पूजनीय है। वो मातृभाषा किसी की कोई भी हो सकती है जिसमें हम बचपन से उसका व्यवहार करते हैं। हाँ, ये जरूर है, ये देश का दुर्भाग्य है कि हम माता हमारे लिए पूजनीय है, मातृभूमि भी पूजनीय है, उसके ऊपर भी कोई सवाल नहीं उठाता है, लेकिन मातृभाषा पर जितने भी प्रकार के प्रश्न चिन्ह हो सकते हैं, प्रश्न चिन्ह लग सकते हैं, वो सारे के सारे लगे हुए हैं। जबकि इन सारे ये तीनों चीजें प्रश्नों से परे हैं, ये वास्तव में आराध्य हैं, ये पूजनीय हैं, ये माननीय हैं। ऐसी स्थिति में क्योंकि कन्या रूपा स्त्री हो है, या बाद में वो उसका जो है पर्यवसान, उसकी परिणति मातृत्व में हो जाती है, उस सृजन धर्मी हो जाती है, इसी नाते वो जो है पूजनीय है, वो माननीय है। उस समय कहते हैं बाल विवाह नहीं था, पर्दा प्रथा नहीं था। हाँ, उस समय जो है पतिवरण का अधिकार था, जैसे स्वयंवर कहते हैं, जो है इच्छा विवाह विच्छेद की कल्पना नहीं थी, विधवा को विवाह करने का अधिकार था, स्वतंत्रता थे। ये सारी चीजें वैदिक साहित्य में उल्लेख मिलता है प्रकारांतर से। लेकिन उसके बाद में संस्कृत साहित्य में जब हम महाभारत में आते हैं, रामायण में आते हैं, कालिदास के यहाँ पे आए, और साहित्य के भीतर आते हैं, तो हमें दिखाई पड़ता है कि ये जो है रूप बदल जाता है। और रूप बदलने के साथ में क्योंकि स्थितियां बदली, तो इसी नाते कहा गया कि भाई जिस घर में साध्वी पत्नी, साध्वी का अर्थ देखिए, मैंने आप लोगों से पहले निवेदन किया, शब्द का संकोच होता है, शब्द का जो है विस्तार भी होता है। जो उस समय
संस्कृत साहित्य में या भक्तों या संतों के यहाँ जो पतिव्रता नारी कहलाती थी, जो साध्वी कहलाती थी, उसका जो है अर्थ बदल गया आज के। जो अपने कार्य के प्रति, अपने कर्म के प्रति प्रतिबद्ध है, जो परिवार का पालन पोषण करते हुए, जो अपने लिए नियत कार्य है उस नियत कार्य को करते हुए जो आगे बढ़ रही है, उससे ज्यादा पतिव्रता साध्वी और कौन हो सकती है। तो इस एक शब्द का जो है जो विस्तार हो रहा है, उस विस्तार को भी हमें पकड़ना चाहिए। इसी नाते कहते हैं कि अगर जिसके घर में, महाभारत में बहुत स्पष्ट रूप से ये बात कही गई है, जिसके घर में साध्वी मतलब अच्छी, अच्छी की परिभाषा आप लोग जाने, और प्रियवादिनी सुभाषिणी अच्छी बोलने वाली न हो, उसे वन में चला जाना चाहिए। देखिए महाभारतकार व्यास कहते हैं कि ऐसी जो है स्त्री होनी चाहिए, कैसी होनी चाहिए, जो मीठे वचन बोले और साध्वी हो। साध्वी मतलब वो अपने संतान का, अपने परिवार का देख रेख करने वाली हो और उनको अच्छे मार्ग पर ले जाने वाली हो। साधु वही तो है वो चरित्र से निर्मल हो, जो समाज को दिशा निर्देश देने वाला हो, जो एक नैतिक मूल्यों की शिक्षा देने वाला हो, जो जीवन मूल्यों का पाठ पढ़ाने वाला हो, वही साधु है और वही साध्वी है। ऐसी जो है नारी होनी चाहिए। अगर ऐसी नारी नहीं है तो क्या घर बनेगा। और ये भी लोकोक्ति है कि विफलनी घर भूत कड़ेला, अगर घर में पत्नी नहीं है, नारी नहीं है, नारी मतलब पत्नी, पत्नी वो पुत्री रूप में हो सकती है, वो माँ भी रूप में हो सकती है, वो पुत्री रूप में भी हो सकती है, तो वो जो है घर जो है भूत का डेरा हो जाता है, उस घर में वास करने का मन नहीं चलता है। लेकिन इन स्थितियों के बाद में तमाम जो है परिस्थिति बस तमाम कुरूतियां और तमाम स्थितियां बिगड़ती चली गई, जिसमें बहुपत्नी प्रथा हो गई, बहुपति प्रथा भी शामिल हो गई और जिससे जो है सारी चीजें बिगड़ती चली गई। और इस बिगड़ने का कारण था इन सारी स्थितियों में स्त्री के सम्मान में अभाव हो गया और जो एक स्त्री थी जो पूजनीय थी वो जो है पुरुषों के सेवा का, उसकी काम वासना की पूर्ति का जो है एक साधन बनकर के सामने आ गई। ये जो है चीजें हमारे सामने आई और लोगों ने भांति भांति से जो स्त्रियों के बारे में कहना सुनना शुरू किया। जो मनु, जिस मनु स्मृति में यत्र नारस्य पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता, कहते हैं जहां पर नारियों की पूजा होती है वहां देवता रमण करते हैं। जो मनु ये कहते हैं, वही मनु ये कहते हैं कि स्त्री चरित्रम पुरुषस्य भाग्यम दैवो न जानात कुतो मनुष्या, वो ये भी कहते हैं, वो ये भी कहते हैं कि जो है न स्त्री स्वातंत्र्यम अर्हति, स्त्री को सदा स्वतंत्रता नहीं प्रदान करनी चाहिए। क्यों नहीं प्रदान, क्या बंधन देते हैं कि एक उम्र तक उसको जो है अपने पिता के अधीन रहना चाहिए, एक उम्र के बाद उसको अपने पति के अधीन रहना चाहिए, इस उम्र के बाद उसको अपने पुत्र के अधीन रहना चाहिए, कभी भी कहीं भी उसकी स्वतंत्रता का उन्होंने पालन नहीं किया। और इसी नाते जब गोस्वामी तुलसीदास की बारी आती है तो वो जो है चकित रह जाते हैं नारी के स्वरूप को लेकर के, नारी के तमाम प्रकार के सामाजिक बंधनों को लेकर के, उसकी परवस्था को लेकर के जो है वो चकित रहते हैं। वो कहते हैं कति विध सजी नारी जग माही, उस परमात्मा ने इस जग में नारी की कैसे सृजना कर दी, पराधीन सुख सपनों नहीं, वो सर्वत्र और सभी स्थितियों में पराधीन है और जब वो पराधीन है तो उसकी सुख की प्राप्ति नहीं हो सकती। वास्तव में मित्रों जड़ चेतन गुण दोषमय विश्व कीन करता, ये जो सृष्टि है जड़ और चेतन भी है, गुण और दोषमय भी है। जहां एक तरफ नारी के स्वरूप की, नारी के रूप की, नारी के गुणों की अभ्यर्थना की गई है, प्रशंसा की गई है, पूजा की गई है, वहां नारी के बारे में अनाप शनाप इन मनुष्यों ने, साहित्यकारों ने चित्रण भी किया है। एक बात और भी मान करके चलिएगा, साहित्यकार कोई अपनी बात नहीं करता है, साहित्य जो है समाज का चितेरा होता है, समाज में जैसी धारणाएं होती हैं, समाज में जैसी मान्यताएं होती हैं, समाज का जैसा चिंतन होता है, समाज का जैसा दृष्टिकोण होता है, वो उसी दृष्टिकोण के अनुरूप चित्रण करता है, उसका निरूपण करता है। समाज को अतिक्रांत करके, अपने परिवेश को छोड़ करके, परिवेश को नकारते हुए कोई भी साहित्य सृजित नहीं कर सकता है। तो साहित्य की जो तमाम, समाज की जो तमाम छवियां हैं, रूपक छवियां हैं, चेतना की छवियां हैं, चिंतन की छवियां हैं,
दृष्टिकोण की छवियां हैं, रीति रिवाज की छवियां हैं, वो साहित्य में प्रतिफलित होती है। वही मानसिक छवियों को इन साहित्यकारों में चित्रित किया। लेकिन जब हम नारी के बहुविध रूपों की बात करते हैं, उसके अनेक स्वरूपों की बात करते हैं, तो उसके तमाम रूप और तमाम स्वरूप हमारे सामने दिखाई पड़ते हैं। और इन्हीं तमाम रूपों और स्वरूपों में हम नारी के स्वरूप को भजते हैं, नारी के स्वरूप को जो हम चित्रित करते हैं, नारी के स्वरूप को हम जो है निरूपित करते हैं। ऐसी स्थिति में नारी की जब बात आती है तो उसके बहुत सारे रूप हैं। जैसे पहले थे वो माता थी, पुत्री थी, कुलवधू थी, पत्नी थी, प्रेयसी थी, बहन थी, सखी थी, और इतना ही नहीं वो सपत्नी थी। इसके बाद में अगर आज के संदर्भ में हम बात करते हैं तो नारी का एक बड़ा व्यापक और विशद और बड़ा चुनौती भरा रूप आ गया। वो रूप था जो है वो उसका कामकाजी वाला रूप, वो सब आप लोग जानते हैं। आगे भी उन सारी चीजों की बात हम करेंगे। लेकिन जब हम इन सारे रूपों को देख करके बात करते हैं तो पहला रूप आता है नारी के सत स्वरूप की बात, उसका सात्विक स्वरूप क्या है, अच्छा स्वरूप क्या है। जब हम नारी के इस रूप की बात करते हैं, उसके आंतरिक गुणों की बात करते हैं, हम रूप की बात नहीं करते। हमारे साहित्य में चाहे वो कालिदास हो, चाहे व्यास हो, चाहे श्रीहर्ष हो, चाहे माघ हो, चाहे विद्यापति हो, चाहे सूर हो, चाहे जायसी हो, चाहे कोई भी कवि हो, सब लोगों ने नारी के रूप को, रूप मतलब बाहरी रूप के साथ में आंतरिक रूप का चित्रण किया है। लेकिन इन रचनाकारों की दृष्टि नारी के जो है आंतरिक रूप पर कम, बाह्य रूप पर जो है ज्यादा टिकी हुई। लेकिन जैसे जैसे समय बदला, समाज बदला, लोगों का चिंतन बदला, लोगों का दृष्टिकोण बदला, वैसे वैसे नारी के जो है आंतरिक रूप पर दृष्टिकोण पर हमारा टिका हुआ है। लेकिन जो सबसे बड़ी चीज है नारी के सत स्वरूप की बात है, सत्य स्वरूप की बात है, उसके आंतरिक सौंदर्य की बात है, जिसमें त्याग की बात है, सेवा की बात है, ममता की बात है, कर्तव्य की बात है, ये सारी चीजें, पति प्रेम की बात है, पवित्रता की बात है, शील की बात है, सौंदर्य की बात है, राष्ट्र प्रेम की बात है, प्रकृति पर्यावरण की बात है, अपने परिवार के प्रति उसकी प्रतिबद्धता और देश और राष्ट्र के प्रति संबद्धता का सवाल है, ये सारी चीजें आती हैं। और यही नारी की खूबसूरती है, यही नारी का वैशिष्ट्य है, यही नारी का अस्त्र है, यही नारी का अमोघ हथियार है, जिसके कारण से वो परिवार का ही को ही नहीं, पूरे देश और दुनिया, पूरी मानवता पर अपनी विजय पताका फहराते हुए चलती है। मित्रों, मैं एक पौराणिक संदर्भ के माध्यम से अपनी बात को आपके सामने रखना चाहूंगा। आप सभी लोग ये कहते हैं कि जो है एक प्रलय आता है, जब प्रलय आता है तो फिर जो है वो कब आएगा, कितने सालों के बाद आएगा, ये नहीं पता है, अरबों खरबों साल के बाद आता है। कहते हैं ये पूरी की पूरी जो सृष्टि है वो जल प्लावित हो जाती है, और ये माना जाता है कि मनु और शत्रुपा से ये पूरी की पूरी सृष्टि जो है पैदा हुई है, पूरी सृष्टि नष्ट हो जाती है, केवल उसमें एक व्यक्ति बचता है जिसे मनु, वो उसी से मानव की रचना होती है। सृष्टि की जो है नष्ट हो जाती है, जल प्लावन हो जाता है, मनु जो है जाकर के हिमालय के ऊपर किसी तरीके से जान बचा करके वो जो है हिमालय के ऊपर पहुंचते हैं और दुखी और बेबस होते हैं। उस समय जो है चित्रण करते हुए कहा गया है कि नीचे जल था ऊपर हिम था, एक तरल था एक सघन, दोनों में एक तत्व की प्रधानता, उसे कहो जड़िया चेतन, एक पुरुष भूगे नयनों से देख रहा था प्रलय प्रलय। कल्पना कीजिए, ये तो आप जो है वो पूरे सृष्टि के प्रलय की बात छोड़िए, जिस गांव में रह रहे हैं, जिस शहर में रह रहे हैं उसकी बात करो, हम ज्यादा नहीं, 1995 में रोहतक में एक बाढ़ आई थी, क्षणिक पोषण था, लोगों की क्या हालत हो गई थी, लोगों का सारा वैभव जो है नष्ट हो गया था, सब लोग जो है इंतजार करते थे कि कोई डबल रोटी दे जाए, कुछ जो है हमारी दुकान इतनी बड़ी हो जाए। लेकिन जब अगर पूरा गांव ही नष्ट हो जाए, कह लो आप जो है पूरा का पूरा एक जिला ही ले लो, या आपको 100-200 किलोमीटर का साम्राज्य दिया जा रहा है और आपको जो है वो छोड़ दिया जाए तो क्या करोगे। वही हालत, पूरी सृष्टि जल प्लावित है, केवल मन बचे हैं, और मन जो है ऊपर बैठ करके देख रहे हैं, जल प्रलय प्रलय देख रहे हैं। उसी समय मन श्रद्धा, जिसे शत्रुपा कहते हैं, वो शत्रुपा जो है आती है और सवाल करती है मनुष्य, कौन तुम संसित जन तेज तरंगों से फेंकी मड़िए,
कर रहे निर्जन का चुपचाप प्रभा की धारा, कहा कि आप कौन हैं, कौन तुम सृष्टि, और ऐसे करते हैं, ऐसे मनु ने श्रद्धा ने सवाल किया कि भाई जो है जैसे कोई पेपर सेटर, आप लोग पेपर सेट करते हैं, दे दिया 10-12 प्रश्न और जो है कहा कोई ऑप्शन नहीं दिया, कहा सारे प्रश्न दीजिए। जो आदमी अकेला है, जिसके जीवन के लाले पड़े हुए हैं, वो बचेगा कि नहीं बचेगा, तो खैर वो प्रश्न लेते हैं, फिर जो है मन किसी तरीके से आते हैं। तो देखिए, नारी वो शत्रुपा नहीं, हर नारी का यही जो है स्वभाव होता है, मूल प्रकृति यही होती है, मूल स्वभाव, अगर कोई मूल प्रकृति को छोड़ दे अलग मामला है। क्या कहती है वो, संकट के दिनों में नारी जो पत्नी रूपा है, जो माया रूपा है, जो बहन रूपा है, तो प्रेयसी रूपी रूपा है, जो भी है जितने रूप है, वो क्या कहती है कि आप चिंता मत करो, जनता की पीड़ा से व्यस्त स्पंदित हो रहा है ये विश्वमान, यही सुख दुख विकास का शक्ति, यही भूमा का मधुमेना, ये नहीं, आप परेशान मत होइए, आपसे आपसे ये जीवन की बेल संसार की सृष्टि आगे बढ़ेगी। और क्या कहा, दया माया ममता लो आज, मधुरमा लो अगाध विश्वास, मेरा हृदय रत्न स्वच्छ खुला है तेरे पास, कहा मेरा सब कुछ जो है आप पर समर्पित है, आप किसी प्रकार से चिंता न करो, जो है परेशान होने की जरूरत नहीं है, आप जो है स्वीकार कीजिए सारी चीजें, ये संबल ये नारी ही दे सकती है, वो दे सकती है। वो नारी किस रूप में है, वो माता है, वो पुत्री है, वो पत्नी है, वो प्रेसी है, वो बहन है, वो सखी है, वो सपत्नी है, कोई भी रूप हो सकता है, लेकिन ये जो है कोई पुरुष ये बात नहीं कर सकता है कि सब कुछ हमारा अर्पित है, और कहने में नहीं वास्तव में अर्पित कर देती है, ये जो है नारी का सत्स्वरूप है। इस सत्स्वरूप को हमें समझने की जरूरत, हमें देखने की जरूरत है, इसी सत्स्वरूप को, इसी असली स्वरूप को, इसी शील और मर्यादा युक्त रूप को हमारे संतों ने, हमारे भक्तों ने बार बार चित्रित किया है। संतों भक्तों ने, कोई आकाश से बातें लेकर के नहीं आई है, जो हमारे समाज में है, जो बड़े बूढ़े हैं, जो बड़ी बूढ़ी माए हैं या दादियां हैं या दादी हैं, उनका समाज के प्रति, लोक के प्रति, जीवन के प्रति जो समर्पण भाव है, उसको देखने की जरूरत, उसी से जो है लेकर के ये लोग सारी बातें करते हैं। और ऐसे पात्र, चाहे वो सीता हो, चाहे पार्वती हो, चाहे मैना हो, चाहे कौशल्या हो, चाहे सुनैना हो, चाहे मंदोदरी हो, चाहे अनुसुईया हो, चाहे सबरी हो, चाहे रमाबाई हो, इनको नाम को, मैंने आप लोगों से निवेदन किया, इन नाम को छोड़ दीजिए, इनके अंदर जो निहित चेतना है, जो सद्गुण है, उसको भावित करने की जरूरत है। आगे बढ़ोगे, अभी आप लोगों ने कुछ दिन पहले पद्मावत पिक्चर देखा हो, बड़ा बहल मचा, चाहे पद्मावत की नागमती हो, यहाँ तक कि पद्मावती का भी मैं उल्लेख करना चाहूंगा, चाहे मीराबाई हो, चाहे बाई हो, चाहे दयाबाई हो, चाहे महादेवी वर्मा, ये सब लोग अपनी कारुणिकता से, अपनी सदाशयता से, अपनी प्रीति से, अपने स्नेह से पूरे अपने परिवेश को सिंचित करते हैं, उसको अभिषिक्त करते हैं, उसका लालन पालन करते हैं, उसका उद्भावन करते हैं। ये जो है नारी का जो है स्वभाव है, ये नारी का मूल प्रकृति है। और इस मूल प्रकृति को जो छोड़ करके आगे बढ़ते हैं, वो जो है उनका दूसरा रूप आएगा, आप देखेंगे, और इसी नाते आप देखिएगा कि जो है प्रेम की पराकाष्ठा तक अगर कोई पहुंचती है तो नारी पहुंचती है। आप जो है वो गोपी और उद्धव का संवाद देख लीजिए, है गोपी और उद्धव के संवाद में ज्ञान के गवानी उद्धव जब गोपियों को समझाने जाते हैं तो फिर जो है वो कुछ नहीं समझती, वो कहते उद्धव मरना पीड़ित विचार है, प्रेम में मरना और जीना विचारना नहीं जाता है, त्याग ये समर्पण है। स्त्री कोई सौदेबाजी नहीं करती है, कोई व्यापार नहीं करती है कि आप जो है 50 ग्राम दे रहे हो तो हमें कितना देना चाहिए, कोई सौदेबाजी नहीं करती है। वो जिस पर रिझती है पूरे मन से रिझती है, मन से समर्पित करती है, ये समर्पण ही उसको नर से भारी नारी बनाती है, उसको गौरव प्रदान करती है। इस चीज को हमें देखना पड़ेगा, इस चीज को जो है समझना पड़ेगा। इतना ही नहीं, उसका जो शील है, उसकी जो मर्यादा है, वो भी देखने की जरूरत है। चलो आज तो तमाम जो मिथक थे, जो तमाम मर्यादाएं थी टूटी, लेकिन एक समय था जिस रीत काल को लेकर के, जिस उत्तर मध्य काल को लेकर के, जिस अंग्रेजों की मुगलों की हुकूमत को लेकर के, जहां पर नारी को तमाम जो है ऊटपटांग चीजें कही गई, समाज को ऊटपटांग चीजें कही गई, उस समय की भी नारी बड़ी शील है, बड़ी
जो है शिष्ट है, बड़ी मर्यादा शाली है, वो जो है अपनी बात को अपने प्रिय तक पहुंचाने के लिए, अपने प्रेमी तक पहुंचाने के लिए, अपने पति तक पहुंचाने के लिए कोई शब्दों का चिट्ठी नहीं लिखती है। क्यों नहीं चिट्ठी लिखती है? उसको पता है कि कागज पर भावनाओं को लिखा नहीं जा सकता है, कागज पर नहीं लिखा जाता है। तो कागज पर लिखत न मानत सहत कहत संदेश जात, और कोई जो अगर संदेश वाहक है तो उसे कहा भी नहीं जा सकता है, कहियो सब तेरो हुयो मेरे ही एक ही बात। वो कह करके अपने प्रीति का, अपने समर्पण का, अपने त्याग का इजहार करती है कि सब तुम्हारा हृदय कह देगा, हमें कुछ कहने की जरूरत नहीं है। लेकिन जब ये सारी स्थितियां अलग होती हैं तो उस समय ये भी देखने की जरूरत हो जाती है मित्रों कि इसके विपरीत था नहीं है, ऐसा भी समाज में है, पहले भी था आज भी है, कि स्वार्थ के कारण, दंभ के कारण, अविवेक के कारण, निर्दयता के कारण, नारी का जो औदात्य है, नारी की शील और मर्यादा है, वो जो है नीचे गिर जाती है, वो टूट जाती है, हल्की हो जाती है। ये भी जो है वो है, ये जरूर है समाज के भीतर, ना तो सारे के सारे पुरुष आदरणीय हैं, ना सारे के सारे पुरुष जो है पूजनीय हैं, ना सारे के सारे पुरुष अच्छे हैं, और ना की सारी स्त्रियां अच्छी हैं। गोस्वामी को जी को लेकर के लोग तमाम जो है लांछन लगाते हैं, लेकिन वहां पर भी एक तरफ जहां वो मंदोदरी की प्रशंसा करते हैं, सीता की प्रशंसा करते हैं, उर्मिला की बात करते हैं, वो तारा की बात करते हैं, वहीं पर वो तमाम ऐसी जो है शूर्पणखा जैसी नारियों की कदर्थना और निंदा करते हैं। वहां पर तुलसीदास जी कहते हैं सामान्य नारियों के लिए नहीं है, लेकिन एक बात कहते हैं कि नारी स्वभाव सत्य कब कहीं, अवगुण आठ सदा उड़ रहे साहस। ध्यान दीजिएगा, आगे छोड़िए, साहस क्या है? साहस अनिर्त माने झूठ, चपलता, साहस अनिर्त चपलता, माया भय, अविवेक अशौच अपवित्र अदाया। ये जो है अगर ये सारे के सारे असदगुण नारी में आ जाए तो फिर वो जो है नारी नहीं रह जाती है। अगर उसके चित्त से दया माया ममता माधुर्य अगर खत्म हो जाता है तो ये चीजें नहीं रहती है। आप देखेंगे कि जो है शूर्पणखा, मंथरा, गांधारी, इनको नारी के पद से च्युत करने का कारण यही तो सारी चाहिए थी। उनका गर्व, उनका मोह, उसका मोह, उसका लोभ, उसका अहंकार, उसका अविवेक, यही सारी चीजें थी जो है जिसके कारण से कितनी बड़ी जो है महाभारत का युद्ध हुआ, जो है राम रावण युद्ध हुआ, समाज की सारी व्यवस्था क्षत विक्षत हो गई, ये देखने और समझने की जरूरत है। लेकिन मित्रों ये सब देखने का नजरिया है, देखने का तरीका है। कुछ लोग कहते हैं, अब ये भी नजरिया है शूर्पणखा के संदर्भ में, कि अगर जो है इस देश में पहली बार किसी ने प्रपोज किया, उस प्रपोज करने वाली शूर्पणखा थी। ये भी एक चिंतन है भाई, जब हम आधुनिकता, उत्तर आधुनिकता और प्लान जो है तमाम चीजें बात करते हैं, तो कहते हैं कि अगर इस देश की फर्स्ट मॉडर्न लेडी है तो शूर्पणखा है। जो भारतीय मन है, भारतीय चित्त है, जो भारतीय संस्कारों और संस्कृति वाले बात है, वो कोई नहीं कहेगा भाई शूर्पणखा ने कोई अच्छा काम किया, रूप बदल करके किस तरीके से सम्मोहन का काम किया। वो उसका जो है सौंदर्य का जो दर्प था, अपने रूप से होने का दर्प था, जो राम रावण को प्राभूत करने का जो भाव था, वो कहाँ लेकर के आया? ये जो है हम तो इस दृश्य से देखते हैं, हम तो इस दृश्य से समझते हैं, लेकिन इस देश का एक पक्ष, कुछ लोग ये भी कहते हैं कि फर्स्ट मॉडर्न लेडी जो है इस देश की शूर्पणखा थी। अगर अपने को प्रपोज कर देना ठीक जो है फर्स्ट मॉडर्न जो है लेडी का प्रमाण है, तो ठीक है भाई, वो भी आपके सामने है, वो भी देखने की जरूरत है। ऐसी स्थितियों में आप देखिए कि ये सारा का सारा जो जो अच्छी चीजें हैं, ये चलो हम मानते हैं जो सत्य 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 ही होता है, वो असत्य नहीं हो जाएगा। कोई नहीं बोल पाता है वो अलग सवाल है, वो उसकी सीमा है, लेकिन वो सत्य की महत्ता को, सदगुण की महत्ता को, सतवृत्तियों को, जीवन मूल्यों को, सांस्कृतिक चेतना को, मनुष्य को निर्मित करने वाले जो अनेक प्रकार के उपादान और आयाम है, उनको कोई अस्वीकृत नहीं कर सकता है, उनको कोई अस्वीकार नहीं कर सकता है।
इस बात को भी हमें ध्यान में रख करके चलना चाहिए। कौन से ऐसी नारी के सत और असत रूप को लेकर के जब हम संतों और भक्तों के यहाँ जाते हैं तो हमें दिखाई पड़ेगा कि भाई वहां पर दो प्रकार की नारी की बात की गई, एक तो पतिव्रता नारी की बात की गई, एक जो है कामनी नारी की बात की गई। कामनी नारी का एक ही काम है पर पुरुषों को लुभाना, पतिव्रता का नारी का एक ही स्वभाव है कि वो जो है अपने पति की सेवा में लगा रहना। अब पतिव्रता का स्वरूप बदल गया, अब पतिव्रता का स्वरूप ये है कि जो उसका काम है नियत काम, कोई अध्यापन करता है, कोई बैंक में काम करता है, कोई कहीं कहीं काम करता रहता है, तो जो उसका काम है उस काम को निष्ठा के साथ कर रहा है वही उसका साध्वी रूप है, वही उसका पतिव्रता रूप है, वही वो समाज और देश के लिए के उत्थान में लगी हुई है, ये जो उसका स्वरूप है। 400, 500, 600, 700 साल में शब्द का अर्थ बदलता रहता है, ये हमें जो है देखने की जरूरत है कि उन शब्दों के अर्थ को किस तरीके से अपडेट करें, उन शब्दों को किस तरीके से जो उनका नियत अर्थ है उसे अलग करें। मित्रों एक बात और भी यहाँ पर शब्दों के संदर्भ में से कहना चाहूंगा, कोई भी शब्द, किसी भी शब्द का कोई नियत अर्थ होता ही नहीं है, वो अर्थ अपने प्रयोग के आधार पर दे रहा है। उस समय जब हम साध्वी और पतिव्रता का जो है वो प्रयोग कर रहे होते थे तो उस समय न विश्वविद्यालय था, न स्कूल था, न कॉलेज था, न बैंक था, न कुछ न था, ना कोई जो है डॉक्टर चिकित्सालय थे, न कुछ थे, वही एक काम था भाई खाना बनाओ और पति की सेवा करो, वही था। लेकिन आज जो है स्त्री के व्यक्तित्व का चतुर्मुखी विकास हो गया, वो सेना में है, सुरक्षा में है, वो बैंकिंग में है, वो चिकित्सा में है, वो अध्यापन में, वो कहाँ कहाँ नहीं है, सर्वत्र उसकी उपस्थिति है। तो अब जब उसकी सर्वत्र उपस्थिति है तो क्या उसको केवल जो है चौके और चूल्हे तक सीमित कर दें? नहीं, जहां पर वो है और अपने कार्य को ठीक से वो निष्पादित कर रही है, ईमानदारी के साथ निष्पादित कर रही है, प्रतिबद्धता के साथ निष्पादित कर रही है, वही उसका साध्वी रूप है, वही उसका पतिव्रता रूप है, और उसी को इस रूप में आज ग्रहण करने की जरूरत है। ये नहीं कि संतों और भक्तों ने जो कह दिया उसी पैमाने पर जो ग्रहण करें, जैसे संतों और भक्तों ने या कि और भी प्राचीन ऋषियों और मुनियों ने साधु और असाधु की बात की कि साधु पुरुष कौन है, असाधु पुरुष कौन है, कौन अच्छा मनुष्य है, कौन दुष्ट मनुष्य है। जब ये सारा संविधान बना तो उस समय जो है वो आदर्श नागरिकता का सवाल उठाया गया, आदर्श नागरिक कौन है, आदर्श नागरिक वही तो है उसको साधु की जगह पर असाधु, असाधु साधु जो है साधु की जगह पर आदर्श नागरिक कह दिया गया। ऐसी स्थिति में ये भी मान करके चलिए कि भारतीय संविधान की पूरी की पूरी नींव और पूरा उसका ढांचा हमारे जो धार्मिक ग्रंथ हैं, जो हमारे संतों और भक्तों की वाणियां हैं, उन्हीं पर निर्भर करता है, उन्हीं से निकला हुआ। हाँ, उन्होंने पारिभाषिक शब्दावली को लेकर के, कुछ टेक्निकल टर्मिनोलॉजी को लेकर के उसको एक रूपांतरित कर दिया। वहां जो कहा गया है देशी वाणी में कहा गया है, क्यों कहा गया है, उनको बात अपने संतों और भक्तों को अपनी बात को लोगों तक पहुंचाना था, लोगों को समझाना था, लोगों को सही राह और सही दिशा में ले जाना था। इसी नाते कहा गया देशिल बैना सज्जन मिट्टा ते तैसे जल पे वो हट्टा संस्कृत है कूप जब भाषा बहताने के, जब चाहो तब उसमें जो निर्मल हो शरीर, तो भाषा इस दृष्टि से उन लोगों ने कहा। इतना ही नहीं, आप देखिए धार्मिक जो स्वरूप है, धार्मिक स्वरूप जो है जब माला छापा तिलक ही नहीं है, जो भी है उसके मतलब कि उसको उसके सही परिप्रेक्ष्य में हमें ग्रहण करना है। अगर जो है घर में कोई अनुष्ठान है, कोई व्रत है, कोई उपवास है, कोई पूजा है, कोई मांगलिक काम है, जितने भी प्रकार का काम है, वो सब उसमें अनिवार्य रूप से नारी की उपस्थिति अनिवार्य रूप से स्वीकार की गई कि बिना नारी की उपस्थिति के, बिना पत्नी की उपस्थिति के कोई कार्य पूरा हो ही नहीं सकता। इस नाते क्या था इसका, कोई भी जीवन का अनुष्ठान, जीवन का कार्य तभी पूरा हो सकता है जब नारी की उपस्थित हो। इसी नाते नारी को कहा गया कि वो नारी जो है धर्म रूप है, वो सारे अनुष्ठानों में उसका भाग लेना अनिवार्य है, और यही उसका पातिव्रत धर्म भी है, चाहे वो कौशल्या के संदर्भ में बात करें, चाहे सुमित्रा के बात में करें, चाहे मंदोदरी तारा किसी की बात करें, वो उसी रूप में दिखाई पड़ेगी, धर्म का अनुसरण करते हुए दिखाई पड़ेगी। और आज भी जो हमारा मध्यवर्गीय वर्ग है, मध्यम वर्ग है, जिसके पास जो है थोड़ी खाने पीने की व्यवस्था मामूली सी है, बहुत बड़ी नहीं है,
जिनके पास जो है बड़ी बड़ी व्यवस्थाएं वो तो सब भूल गए, जिनके पास कुछ नहीं हो रोजी रोटी के लिए संघर्ष रहते हैं, लेकिन जिनके पास है कोई भी पर्व हो, कोई भी त्योहार हो, कोई भी उत्सव हो, कोई भी महोत्सव हो, कोई भी जो है उसमें जो है नारी की उपस्थित को सर्वथा अनिवार्य रूप से वो लेकर के चलते हैं। ऐसी स्थिति में धर्म की आपूर्ति, धर्म का जो है संस्थापन तभी हो पाएगा जब जो है नारी की उपस्थित होगी, उसके बिना कोई भी मांगलिक कार्य हो ही नहीं सकता है। देखिए जो है आप कबीर के यहाँ ऐसा ये कोई बखान नहीं करते हैं, आपके घरों में है कोई काम होगा, कोई मांगलिक कार्यक्रम होगा तो कोई बुआ आ रही है, कोई बहन आ रही है, कोई चाची आ रही है, कोई ताई आ रही है, कोई अड़ोसन आ रही है, कोई पड़ोसन आ रही है, सब कहते हैं दुल्हनी गा हो मंगल चार, सारे लोग मिल करके मंगल गान करो, तो मंगल गान करने के लिए जरूरी है। कोई और भी चीज होगी तो उसमें भी जो है यही स्थिति जो है हमारे सामने उपस्थित होती है। तो ऐसी स्थिति में आप जो है मान करके ये चलिए कि जो है इसके बिना कोई अनुष्ठान पूरा ही नहीं हो सकता है जब तक स्त्री की उपस्थित। अब अगर इस पितृसत्तात्मक व्यवस्था में कोई कहे पितृसत्तात्मक व्यवस्था है, पितृसत्तात्मक व्यवस्था में क्या सृजन का काम पुरुष कर सकता है अकेले? नंबर वन। नंबर टू, जितने भी मांगलिक कार्य हैं क्या वो अकेले कर पाएगा? ये सारी चीजें वो अधूरा अधूरा नहीं, पहले पूरा जो है वो है नारी, उससे जुड़ करके जो है वो पूरा बनता है। इसी नाते जो है अर्धनारीश्वर की कल्पना, इसी नाते कहा गया कि वो परमात्मा में है और इस चीज को परमात्मा कहीं ऊपर से नहीं उतरा है, देवियां कहीं ऊपर से नहीं उतरी हैं, वास्तव में ये जो सृष्टि का रूप है उसी से ये सारी चीजें निर्मित होती हैं, बनी हुई हैं। ये जो हमें ध्यान देने की जरूरत है। इतना ही नहीं कि लोग कहते हैं स्त्रियों की सलाह को कोई नहीं मानता है, परिवार में बिना उनके कोई बात चलती नहीं है, वो मंत्रणा भी देती है, युद्ध में जाती है। आप देखिए प्राचीन संदर्भों को लीजिए तो क्या जो है कई कई युद्ध में गई थी, हम लोगों के सामने है, उसी युद्ध में जाने के परिणामतः महाराज दशरथ वरदान देते हैं और उस वरदान का परिणाम कितना आगे चल करके होता है एक सामने है। मंत्रणा देने वाली आप देखिए जो है हर काम में, अब अगर घर गृहस्थी को ठीक से चलाना है तो भाई परिवार माँ की और जो है पत्नी की और परिवार की सारी स्त्रियों की सामूहिक रूप से मंत्रणा लेकर के चलनी चाहिए। अगर नहीं लेकर के चलोगे तो जो स्थिति, इसी नाते आप देखिएगा दासी मंथरा है, वो दासी मंथरा भी सलाह देती है, एक तरीके की राजनीति क्या सलाह देती है आपके सामने ही है, कहा कि जो है कैकेयी को समझाती है कि भरत का राज मांग लीजिए, मौका ठीक है, नहीं तो भरत की दुर्गत हो जाएगी। और जब कैकेयी नहीं मानती है तो वो अपना जो है पासा फेरती है, त्रुप का पत्ता लगाती है, कोई नृप होए हमें का हानि, कोई राजा बने हमें कोई हानि नहीं है। तो ऐसी चीजें जो है आप देखिए कैकेयी की राजनीति देखिए, वो राजनीति का ही रूप है और कोई दूसरा रूप नहीं है। मंथरा की जो है आप रूप देखिए, इसी नाते आप देखेंगे कि जो है सच्ची राजनीति में जो अच्छी राजनीति करें जिसे राजनीति कहते हैं सचमुच, उसमें जो है कौशल्या की भूमिका देखिए, तारा की भूमिका देखिए, मंदोदरी बार बार रावण को समझाती है कि हे प्रभु आप जो है राम से युद्ध न कीजिए नहीं तो राक्षस जाति का विनाश हो जाएगा, सीता को आप वापस कर दिए, बार बार ये सलाह देती है, माने के चाहे ना माने अलग सवाल है। उर्मिला, उर्मिला जो है अब आप देखिए साकेत को याद कीजिए, स्वतंत्रता संग्राम चल रहा है और उर्मिला जो है वो लक्ष्मण राम के साथ चले गए हैं, सब कुछ है, केवल वो ये कामना करती है कि प्यारे जीवन जग हित करें, गए आवे चाहे ना आए, कि लक्ष्मण जीवित रहें, घर आए चाहे ना आए, लोगों का कल्याण करते रहें। यही बात जो है राधा कहती है, वही लोक के कल्याण की बात कहती है। तो ये सारी की सारी चीजें जो लोक हित है, अब लोक हित व्यापक हो गया, आज लोकतंत्र है तो लोक हित व्यापक हो गया, पहले राजतंत्र था तो उसका जो है लोक हित का अलग अर्थ था। तो ऐसी स्थितियों में चाहे कौशल्या की बात हो, चाहे तारा की बात हो, चाहे मंदोदरी की बात हो, चाहे उर्मिला की बात हो, चाहे राधा की बात हो, ये सारी की सारी स्थितियों में आप देखेंगे कि एक जो सच्ची राजनीति, राजनीति का जो सही रूप होता है जिससे लोक का कल्याण हो, देश का अभ्युदय हो, देश का कल्याण हो, देश की प्रगति और विकास हो, इन सारी चीजों में जो है इन स्त्रियों का बहुत बड़ा योगदान था। और थोड़ा सा याद, संदर्भ बदलता जाता है, नाम बदलते जाते हैं, पात्र बदल जाते हैं,
आप देखिए जो जिस समय जो है वो द्विवेदी काल, द्विवेदी काल मतलब ये आप देखिए 1902 से लेकर के 1917-18 तक, उस समय अंग्रेजों की हुकूमत है, देश में गांधीवाद का प्रचलन है, और गांधीवाद का प्रचलन होने के नाते जो कौशल विकास, जिसे आज आज सरकार कहती है भाई हर व्यक्ति जो उद्यमी होना चाहिए और सब में एक स्किल डेवलपमेंट होना चाहिए, उस स्किल की बात करो, उस समय तो ऐसी बात नहीं थी, उस समय स्किल क्या थी भाई, सूत काटना ये बहुत बड़ा स्किल था, उससे कपड़ा बनना। तो जब सीता वनवास में जाती हैं तो वहां पर जो आदिवासी जातियां हैं, कोल किलात भल बालाएं, जो कोलों की, किरातों की, भीलों की जो लड़कियां हैं उनको बुलाती हैं सीता कि हे कोल किरात भिल्ल बालाओं मेरे पास आ जाओ, और आकर के क्या करो, आओ काते बुने गान की लय में। उनको गाना नहीं आता है कोल किलात भिल बालाओं को, और इनको सीता को जो है कातना आता है, कहिए आइए जो गान की लय में आपको मैं जो है धागा कातना सिखाती हूँ, तकली चलाना सिखाती हूँ, क्या होगा। इससे ये वो संदेश देना चाहती हैं कि एक जो है आपके अंदर आत्मनिर्भरता का भाव आ जाएगा, जो पर सर आपका नेटवर्क का शायद इशू हो गया है, वी आर नॉट एबल टू लिसन, आवाज नहीं आ रही है, स्टिल हो गया है ये। Thank you.